गुड मॉर्निंग, ये लीजिए भाई सर्दी की शुरुआत। वैसे तो दिसंबर चल रहा है और आज 20 दिसंबर है, लेकिन अब तक ठंड नहीं थी। ये पहली सुबह है जो ठंडी है। सारे पौधे थोड़े से सहमी दुबके नज़र आ रहे हैं, लेकिन पक्षी देखिए अभी भी पूरी मस्ती करते नज़र आ रहे हैं। और कैसे सामने फॉग है, और बस मेरा मन हुआ, देखो दूर के मकान दिख भी नहीं रहे हैं, मेरा मन हुआ कि चलो एक बार एक या दो मिनट तो छत पर जा ही आऊँ। और फिर सोचा आपको भी मिलवा दूँ अपने प्लांट से। दिसंबर की सर्दी की वो पहली सुबह है जो वाकई में सर्दी होती है, वरना अब तक तो डेली धूप निकलती थी। आज देखो एकदम फॉग, और कैसा मौसम है, ठंडी सी हवा भी चल रही है, कानों में भी ठंड लग रही है, पर यहाँ आने का फिर भी एक अलग ही मज़ा है। मैंने सोचा थोड़ा सा समय चुरा कर चुपके से एक बार तो गार्डन में हो ही आऊँ। हर चीज़ थोड़ी सी स्लो, तो ऐसे ही ये मुझे लग रहे हैं, क्योंकि धूप मतलब बहुत तेज ठंडी कोहरा, ये देखो लग रहा होगा ना फॉग आपको दिखाई दे रहा होगा, उससे सर्दी का एहसास हो रहा है। पर इसका भी सर्दी का अपना मज़ा है। पक्षियों की अलग अलग तरह की आवाज़ सुन रही है, कबूतर की गुटर गू, चिड़ियों की चू चू। पता है हम नोटिस ही नहीं करते हैं, और नोटिस करें तो भी कैसे। इन पक्षियों की आवाज़ व्हीकल की आवाज़ में, कभी एरोप्लेन की, ट्रेन की आवाज़ में छुप जाती है। वरना अगर हम पर्यावरण अच्छा रखते हैं, माहौल अच्छा, पेड़ पौधे होते हैं, तो पक्षियों की आवाज़ भी बहुत सुंदर सुनने को मिलती है। लेकिन उससे ज़्यादा व्हीकल्स की आवाज़ हो जाती है। लेकिन सुबह सुबह जब व्हीकल नहीं चलते ना, अब फिर से शुरू हो गए हैं, तो जब हम इन्हें देख सकते हैं,